भागलपुर जिले में आयोजित 24 केंद्रों पर बीपीएससी की फेज 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली 9:30 बजे सुबह से शुरू हुई, वहीं दूसरी पाली 2:30 से प्रारंभ हुई। परीक्षा के गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षार्थियों को 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचकर अंदर प्रवेश करना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच पाए और परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो गया। उसके बाद की तस्वीर भागलपुर से ऐसी सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला इंटर स्कूल में पहली पाली में गेट बंद हो जाने के बाद परीक्षार्थी दीवार और ग्रिल फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते नजर आ रहे थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, साथ ही ई प्रवेश पत्र पर QR कोड स्कैनिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, चेहरे का मिलान और OMR सीट से बारकोड की स्कैनिंग भी की गई। फिर भी ऐसी तस्वीर भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज से देखने को मिल रही है। वहीं परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, घड़ी आदि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को ले जाना पूर्ण रूपेण मनाही थी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कराने की मांग को लेकर कर्मी लगातार जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आज भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, मगर जिलाधिकारी से उन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद सभी कर्मचारी मायूस होकर लौट गए। वहीं एकजुट हुए कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों के साथ विभाग लगातार टालमटोल का रवैया कर रही है। इस बात से आक्रोशित होते हुए कर्मियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 20 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग वर्ष 2016 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली भागलपुर स्थापना शाखा के द्वारा निकाली गई थी। इसमें हम लोग सभी आवेदकों ने अपना अपना आवेदन ऑनलाइन अप्लाई किए थे और अप्लाई करने के बाद आज 8 साल हो गया। इस 8 साल के दरमियान में अभी तक न हम लोग की बहाली हुई है और न ही जो है क्या कहते हैं प्रेस पैनल बनाया गया है। 4 बार इस आवेदन आलोक में जो है आवेदन को क्या पैनल को बनाया गया, फिर उसको रद्द कर दिया गया। विभाग अपने आप रद्द करती है, अपने आप बनाती है। आज हम लोग जो है जिला अधिकारी महोदय से आज 3 बार तीसरे शुक्रवार को भी मिलने आए, लेकिन हम लोग का भाग्य खराब है क्या, जिला अधिकारी महोदय से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि बैठते नहीं है। ADM साहब से मिलते हैं, ADM साहब तो इस बात को जो है कहते हैं आपका कभी खत्म हो गया है, खत्म हो गया। इसी विज्ञापन के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फिर दिनांक 10/4/2023 से 1/5/2024 तक फिर आवेदन अप्लाई किया ऑनलाइन। फिर हम लोग सभी आवेदकों ने अप्लाई किया ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद भी आज तक हम लोग का नाम लिस्ट में है कि नहीं है। हम लोग स्थापना शाखा आते हैं तो कहता है कि हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप कर्मचारी चाहे उनको पूछिए तो पटना जाइए तो फलना जगह जाइए। इससे हम लोग जो है इस बार फिर हम लोग लास्ट हम लोग सोचे कि क्या करेंगे, हम लोग DM साहब से मिल लेते हैं। आज भी जो हम लोग मिलने के लिए आए DM साहब आज नहीं है, DM साहब आज भी नहीं है। आज हम लोग से ये जानना चाह रहे थे कि सर कम से कम हम लोगों को ये जो आवेदन जो ऑनलाइन किया गया था इसका तो प्रकाशित कर दिया जाए, पैनल प्रकाशित करके हम लोग को देख लेंगे, अपना अपना नाम है मेरा और नाम दिखा करके हम लोग को सर इसको बहाली किया जाए। आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे अब हम लोग जो है थक हार करके अब हम लोग लास्ट जो है अनशन पर आमरण अनशन करेंगे हम लोग। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहबलपुर चौक निवासी सुभाष मंडल के खाते से 500 की जगह 3000 की राशि अवैध तरीके से CSP संचालक विनोद कुमार ने निकासी कर ली थी। इसकी शिकायत उन्होंने यूको बैंक लोदीपुर शाखा प्रबंधक तथा जोनल कार्यालय भागलपुर में कर दी थी, परंतु कार्रवाई के बजाय शाखा प्रबंधक द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि लोदीपुर पुलिस और बैंक प्रबंधन जांच में जुटी है। वहीं इस घटना से मर्माहत होकर कक्षा 9 की छात्रा ने एक जागरूकता गीत रच डाला, आइए आपको सुनाते हैं वो गीत।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 मार्च रविवार को भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल आदमपुर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जो सीएमएस हाई स्कूल से घंटा घर और घंटा घर से मानिक सरकार चौक होते हुए सीएमएस स्कूल तक परिभ्रमण के बाद सम्पन्न होगी। आमजनों, संगठनों व संस्थाओं से अपील की गई है कि वो इस रैली में जरूर शामिल हो और मतदाताओं को मतदान के लिए उत्साहित करें। जैसा कि अभी सर बता रहे थे मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में, प्रभात खबर लगातार इस सब चीज़ों को करता रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसमें जितने भी लोग हैं, सारे संस्था को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर न्योता दिया है, साथ ही में एक एक परिवार को आप सभी के माध्यम से, परिवार के एक एक सदस्य को जागरूक करने के लिए एक आह्वान करते हैं कि उसमें महिलाएँ भी जो खुलकर सामने आएँ। पुरुष तो रहते ही हैं, और ख़ास करके पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि घर की महिलाओं को भी बाहर लाएं, जो चीज़ इस भागीदारी में शामिल हो, और जिस दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं एक स्वस्थ समाज के लिए आपका मतदान ज़रूरी है। इसको जागरूक हम अपने को भी करें, अपने घर के आसपास के भी लोगों को करें, ताकि ये जो रैली हम लोग निकाल रहे हैं इसका मकसद पूरा हो। ये हम लोग का मूल मकसद है, और हम सब मतलब खुल के एक एक संस्था से संपर्क किया है, और आप सब के माध्यम से, आप सब से भी निवेदन है कि जहाँ भी जो संस्था हैं, जहाँ भी दो एक व्यक्ति हैं, आप सब उनको जोड़ें, परिवार को जोड़ें। और ये प्रभात खबर के सामने सीएमएस मैदान है, यहाँ पर हम लोग सुबह 7 बजे जुड़ेंगे, 7:45 से हम लोग यहाँ जुड़ेंगे, और 7 बजे ये रैली यहाँ से निकलेगी। यहाँ से घंटाघर चौक होते हुए, मानिक सरकार चौक होते हुए फिर हम लोग वापस यहाँ आके इसका समापन करेंगे। झारखंड, बिहार और बंगाल के इलाके में मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में काम करता रहा है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रभात खबर अखबार की एक जो भूमिका रही है कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी क्या है अखबार खबर छापने के अलावा, तो अब ये मोटे तौर पे समझिए कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि हर साल साल दर से चुनाव दर चुनाव जो है मतदान का प्रतिशत घटता जा रहा है। जब मतदान लोग खुल के करेंगे नहीं, मतदान का प्रतिशत घटेगा तो अच्छे और योग्य प्रत्याशी आ नहीं पाएंगे। इसको लेकर बिहार और झारखंड के इलाके में हर चुनाव में, संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार प्रभात खबर की कोशिश रहती है कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाए। उसके लिए हम लोग छोटे छोटे स्कूल से लेकर सब जगह पर इवेंट करते हैं। उसी इवेंट की कड़ी में 17 मार्च को भागलपुर में जो है हम लोग यहाँ सीएमएस कंपाउंड से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हमारे साथ आ रहे हैं।
भागलपुर की देवीबाऊ धर्मशाला में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार पटना के द्वारा भागलपुर में एक दिवसीय एमएसएमई कॉम्पिटेटिव लिंक योजना के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय के सहायक निदेशक संजीव आजाद IDS ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद पटना के पूर्व क्षेत्र निदेशक AK सिंह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खुशबू कुमारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र भागलपुर, दिनेश पासवान अध्यक्ष भारतीय उद्यमी संघ भागलपुर, गोविंद अग्रवाल अध्यक्ष पूर्वी बिहार उद्योग संघ भागलपुर, श्रवण बाजोरिया अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर एवं अन्य अतिथियों का स्वागत साल व गुलदस्ता से किया गया। कार्यक्रम संयोजन व समन्वय कार्यालय के संजीव आजाद IDS सहायक निदेशक MSME DFO पटना ने किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पटना के DFO संजीव आजाद ने बताया, इस कार्यक्रम में भागलपुर के उद्यमियों के बीच राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने उद्यमियों MSME के वैश्विक स्तर पर MSME कॉम्पिटेटिव लोन योजना द्वारा प्रतिस्पर्धी बनना, MSME योजना की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न जानकारी दी और अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर के जितने भी भावी उद्यमी या उद्यमी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे, जिसमें अपने उत्पादन की को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वेस्टेज को कम किया जाए और कम जगह पर कैसे हम अच्छे उद्योग को लगा सकें, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी लागत आ रही है जो प्रोडक्ट की उसको हम कैसे कम सकें, इसी पर विस्तृत जानकारी। और भारत सरकार की जो योजना है जिसमें 90% तक अनुदान देने का प्रावधान है, जिसका वो लाभ ले सके। जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा पर लगातार काम करते आ रही है, विशेषकर सड़क दुर्घटना पर। इसी कड़ी में आज रेड क्रॉस रोड स्थित कार्यालय में बैठक हुई। अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि लाखों ड्राइवर यानी चालक एक साथ कई व्यक्तियों की जीवन को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाना भी जीवन का अंग है और इसका निर्वहन चालकगण के द्वारा होता है। चालक का जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। अधिकतर चालक अपना कार्य बहुत ही सतर्कता से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चालक हैं जो जिंदगी को नहीं समझते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना भी और सवारियों के जान जाने का कारण बन जाते हैं। चालकों के हौसला अफजाई के लिए जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा चालक सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 30 मार्च को होटल स्टोन पार्क में किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में वैसे वाहन चालकों को सम्मानित किया जाएगा जिनके द्वारा पिछले 10 साल में कोई भी बड़ी दुर्घटना न की गई हो। कार्यक्रम के संयोजक राकेश माही होंगे। हम लोग दिन रात घूमते रहते हैं, लोग बाग गाड़ियों पर चलते रहते हैं और यदा कदा हम लोग देखते हैं कि उसी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। लेकिन दूसरे तरफ लाखों की संख्या में ऐसे ड्राइवर हैं जो बहुत ही संजीदगी से चलाते हैं। वो ड्राइवर चालक के महत्व को समझते हैं, उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि जान सिर्फ मेरी प्यारी नहीं है, हम जिनको ले जा रहे हैं वो मेरे भरोसे हैं। और वह गाड़ी है बहुत ही अस्थिरता से चलाता है, यातायात के नियमों का पालन करता है और अपने वाहन मालिकों को या सवारियों को वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करता है। ऐसे सजग चालक, कर्तव्यनिष्ठ चालक, रिस्पॉन्सिबल चालक को हम लोग सम्मान क्यों नहीं दें। तो हम लोग जिनके बदौलत हम लोग ट्रेवल करते हैं, गाड़ियों में सो भी जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, उसको सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसे सम्मान समारोह से उनमें एक आत्मबल बढ़ेगा, उसमें एक एहसास होगा कि हमें और रिस्पॉन्सिबल होना है। और इसीलिए जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, हम लोगों ने ड्राइवर सम्मान समारोह का आयोजन करने का निश्चय किया है जो 30 मार्च को होटल स्टोन पार्क में अपहरण 2 बजे होना तय हुआ है। तो आइए अपने सजग ड्राइवर का मान बढ़ाएं और उन्हें सम्मान दिलाएं। और हम निवेदन करेंगे जो भी आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं,
यदि आपके ड्राइवर 10 सालों से लगातार गाड़ी चला रहे हैं और कोई भी मेजर दुर्घटना नहीं हुआ है, सजग हैं, अच्छे इंसान हैं, आपके पारिवारिक बातों को कहीं दूसरे जगह नहीं पहुंचाते हैं, ये भी दायित्व निभा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आपको लक्षा ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के परिवार हैं और जितना कर्तव्यनिष्ठ हैं हमसे कहीं ज़्यादा वो है, तो उनको सम्मान समारोह में भाग लेने का मैं निमंत्रण देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप खुद आए और अपने चालक का सम्मान अपने खुद हाथों से करें। सुल्तानगंज के एक ही गोपालन कॉलेज में राजद परिवार के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व नव निर्वाचित राजद के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नैनिका ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, महिला प्रदेश महासचिव रिंकू राज, जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद यादव, जिला महासचिव शिव कुमार सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव रहे। इस दौरान राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने सैकड़ों युवाओं एवं युवतियों को राजद परिवार में जोड़ते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल करेगी। इस दौरान सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे और काफी संख्या में है सदस्यता अभियान चलाई गई और काफी युवक जो थे विद्यार्थी थे ये इसमें जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी हो रही है कि सारे विद्यार्थी एक तेजस्वी का ही नारा लगा रहे हैं और आने वाला समय तेजस्वी जी का ही होगा और तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री ही बनेंगे। आज राजद परिवार की तरफ से मैं आई हूँ। मुझे जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और आज से मैंने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है सदस्यता अभियान को लेकर के, और आज के बाद मैं राजद परिवार को मजबूत करूँगी और आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ तेजस्वी यादव सरकार बनाएगी। आज हम लोग एके गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज में डॉक्टर नैनी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का आगाज इसी कॉलेज से किया गया है और बहुत ही छात्रों में, नौजवानों में बहुत ही उत्साह और उमंग है कि आने वाला जो समय है 24 और 25 दोनों में मैंने फतेह करेंगे, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। एके गोपालन महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया और सदस्यता अभियान हमारे जो यहाँ पर पूरा जिले में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, क्या नाम डॉक्टर नैनिका जी को, तो उनको आईटी सेल का और सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने अपना कार्यक्रम का प्रारंभ आज से किया, उसमें बतौर मुख्य अतिथि हमको यहाँ पर आमंत्रित किया था और हम उसमें आए और लोगों से, विद्यार्थियों से, आम आवाम से मैंने आग्रह किया कि इस बार जो है तेजस्वी भव्य बिहार होगा, 2025 जो आने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 40 में 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा और 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई और रोजगार वाली सरकार बिहार में स्थापित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को नौकरी मिलेगा। खास करके हमारे नेता का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार के हर युवा को रोजगार मिले और नौकरी मिले, जब हर युवा को रोजगार और नौकरी मिल जाएगा, बिहार में इंडस्ट्रीज का स्थापना हो जाएगा, स्वतः बिहार विकसित हो जाएगा और बिहार नई ऊँचाई को छुएगा।